नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चौपाल और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़े फूक फूक कर कदम रख रही है। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा में 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर अभी भी असमंजस कायम है। कांग्रेस की दूसरी सूची में पार्टी ने कई समीकरण साधने की कोशिश की है, तो वहीं गठबंधन को लेकर चल रही ओहापोह की स्थिति पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर असमंजस के बीच कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इस तरह से अब कांग्रेस ने अपने कुल 41 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची। मोहित ग्रोवर गुरुग्राम से, ब्रजेंद्र सिंह उचाना कला से, तो वहीं अशोक अरोड़ा थानेसर से, कुलदीप शर्मा गन्नौर, परमवीर सिंह टोहना, अनिरुद्ध चौधरी तोश्याम, बलराम गांगी महम, मंजू चौधरी नांगल चौधरी, वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए नई मुसीबत भी बनती जा रही है। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज चल रहे हैं। लोकल के बदले बाहरी को टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बाबत करीब 2000 कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन किया। मैं है और अपने गुरुग्राम से पटौदी विधानसभा से आती हूँ, जो 75 नंबर है हमारा पटौदी का। और हम तो सिर्फ पार्टी से एक ही मांग करते हैं, जो हमारे प्रभारी जी बावरिया जी जो थे, उन्होंने एक नियम बनाया था, कानून बनाया था कि दो बार हारे हुए को, जो दो बार हारे हुए को उनको टिकट नहीं देंगे, या उनके परिवार से किसी को भी हम मौका टिकट नहीं देंगे, या बाहर से कोई आया हुआ प्रत्याशी है उसको टिकट नहीं देंगे। लेकिन आज हमें लगता है कि वो जो उन्होंने नियम जो कानून बनाए थे वो उनको तोड़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पार्टी जो नियम बनाए उनसे उनको फॉलो करें, क्योंकि आज जनता जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है, हर वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहा है, लेकिन पटौदी में उल्टा हो रहा है। पटौदी में जिसकी दो बार जमानत जब्त हो चुकी है, दो बार हारा हुआ कैंडिडेट है, उसको उतारा जा रहा है, और उसको नहीं तो उसके परिवार से परिवार को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ना तो परिवारवाद की राजनीति हो ना किसी एक बात बताइए, जिसको जनता दो बार नकार चुकी है, दो बार जमानत जब्त हो चुकी है, उसको फिर से मौका देना कहाँ के न्याय। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वहीं कांग्रेस और आप गठबंधन पर जारी ओहापोह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंज कसते हुए दोनों दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे चाहे वो 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। आज मैं सुबह से लाडवा की सरदारी के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए लगातार कार्यक्रमों में हूं। लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग उनका मिल रहा है, और लोगों ने एक संकल्प लिया है कि लाडवा तो हम जिताएंगे, परंतु लाडवे से नियरेस्ट जितने भी जिले होंगे सब जिलों के अंदर कमल के फूल का हम खेती करने का काम करेंगे, कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। ये भी संकल्प हमारे लाडवा के लोगों ने लिया है। हरियाणा चुनाव में दिलचस्प होगा मुकाबला। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, तो वहीं मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच हरियाणा में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। वहीं चुनाव के बीच सभी दलों में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली है, लेकिन हर चुनाव में ऐसा माहौल देखना आम बात है। वहीं कांग्रेस और आप गठबंधन पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन सकी।